वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कुटानकोट सुखराना सतगुरु धन गुरु रामदास जी महाराज का मीर पीर ते मालिक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने त्रुट के अपने पावन दरबार श्री अकाल तख्त साहब जी की जो मुख सेवादार की सेवा है वह बख्शिश की है। सतगुरु के चरणा च अरदास है कि सतगुरु जी मेहर करन चढ़ती कला के अपने पावन दर घर की पंथी सेवा जी उन्होंने बख्शिश की है वह चढ़ती कला की सेवा लैन। हेड ग्रंथी का भी चार सुनाल दिता गया है तो दो जिम्मेवारियां है जसदार जी कि संभालोगे? सतगुरु जी मेहर करे गुरु हरगोबिंद साहब तो गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह कृपा करे और सेवा जी है वह संगत की असीस नाल गुरु की कृपा नाल चढ़ती कला में होएगी। जसदार जी जेकर असी श्री केसगढ़ साहब की गल करिए तो वह भी एक बहुत बड़ा तख्त है, पंजे तख्त बहुत बड़े ने, पर जिम्मेवारी कि केसगढ़ साहब नालों श्री अकाल तख्त साहब की बहुत वड्डी हैगी है, इसनों किवें देख रहे हैगे हो क्योंकि तुहाडे ते ही विश्वास प्रगटाया गया है सारे के सारे अंतरिम कमेटी के मैंबरों वालों नाल होरना वालों समुचे पंथ वालों जो भी वड्डी सेवा श्री अकाल तख्त साहब की है सौंपी गई। सेवावान तो सारिया ही बहुत वड्डिया होंदिया ने कि श्रोमणी तख्त होने करके श्री अकाल तख्त साहब की जी सेवा है बहुत जिम्मेवारी वाली सेवा है और जो विश्वास पंथ वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अरदास के उत्ते जताया गया गुरु रामदास जी गुरु हरगोबिंद साहब की कृपा के नाल विश्वास जिहड़ा उन्हूं पूरे तरह निभाउण दा यतन करांगे। एक सिंह साहब जिहड़ी एसजीपीसी प्रधान ने भी गल की कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने स्वै इच्छा जाहिर की सी कि पंथ की बहुत वड्डे पद्धर ते मंग है कि यह सेवा जिहड़ी पक्के तौर पर किसी नूं दित्ती जाए तो इस बारे तुहाडी कोई ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां नाल पहलां जां हुण गल हुई कोई? नहीं कोई इस विषय तक कोई गलबात नहीं हुई। पर की कहना चाहोगे क्योंकि तुहाडे तों पहलां उह सेवा निभाउंदे रहे ने तुहाडा आपसी तालमेल भी बहुत वधिया हुण तक रहा है? हाँ देखो ज्ञानी हरप्रीत सिंह और अरदास तकरीबन 6 साल इकट्ठे असीं सेवा निभाई है अगे भी निभावांगे और बहुत साडा प्यार और बहुत वधिया तरीके दे नाल एक दूजे दे नाल हर फैसला जिहड़ा और राय करके सलाह मशवरा करके असी करते रहे हैं और अगे तो भी जिहड़ा प्रेम प्यार दे नाल सारा जिहड़ा जो सेवा है असी रल के निभावांगे। रघुवीर जी एक श्री अकाल तख्त साहिब विखे बहुत देखने को मिलिया है कि यह गल बहुत बार कही गई हैगी है कि सारिया सिख पंथक जिन्नी भी जथेबंदियां है नुमाइंदे है वो इकट्ठे होकर चलन तुम्हें देखा होना बयान हमेशा जो भी संदेश जारी होंगे सिख कौम के नाम यह गल जरूर कही जाती है कि तुम उन्होंने सिख शख्सियतों इकट्ठा पाओगे अज तक इकट्ठे नहीं हुए? बिल्कुल गुरु साहब कृपा करके सारा कुछ ठीक होंगे है, कोई ऐसी गल नहीं है कि किसी चीज़ को आप नैगेटिव पक्ष तो नहीं वेख सकते। पंथ का प्रेम पंथ का दर्द हर एक सिख के हिरदे में है और जिते पंथ की चढ़ती कला की गल होगी तो सारा पंथ इकट्ठा होगा। ज्ञान सिंह मान ने भी एक पत्र जारी किया है, उन्होंने भी कहा है कि मैं पहला जथेदार इकट्ठे हो आपस के मैं भी बेची हाँ तो फिर ही जाके पंथ इकट्ठा होएगा कि तुम उन्होंने चिट्ठी का जवाब दोगे उन्होंने कहने सदोगे जी? चिट्ठी देखो मैं सुनी है, मैं चिट्ठी पढ़ी नहीं कि चिट्ठी उन्होंने की लिखा, जेकर उन्होंने पंथक एकता का जो कदम उन्होंने वधाया तो बहुत खुशी की गल है, स्वागत है। धन्यवाद जी। कि जिम्मेवारी इस समझते क्योंकि कौम का सब तो सर्वोच्च यह असं कह सकते कि जी सेवा है बहुत वही एक जिम्मेवारी है जी और गुरु की कृपा तो बिना तो संगत के सहयोग तो बिना संगत की असीस तो बिना जी वी सेवा यह नहीं निभ सकती। गुरु कृपा करे संगत सहयोग करे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।